नमस्कार, मनी नाइन झटपट में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। बजट 2022-23 में उन कंपनियों को तगड़ी चोट पड़ी है जो अपनी विदेशी सब्सिडरी के माध्यम से वैश्विक कारोबार करती हैं। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि विदेशी सब्सिडरी से मिलने वाले लाभांश पर टैक्स के लिए रियायती दर को खत्म कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि ये इतना बड़ा झटका है कि कई कंपनियां तो अपना मुख्यालय ही भारत से हटाकर सिंगापुर एवं दुबई ले जा सकती हैं। इसका TCS, इंफोसिस, विप्रो, टाटा मोटर्स, डॉक्टर रेडीज, एशियन पेंट्स, L&T तथा महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कई दिग्गज कंपनियों को नुकसान हो सकता है। इन दिग्गजों के अलावा IT, फार्मा, ऑटोमोटिव, होटल, इंजीनियरिंग गुड्स सेक्टर की कई और कंपनियों को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अभी तक भारतीय कंपनियों को आयकर की धारा 115 BBD के तहत विदेशी सब्सिडी से मिलने वाले लाभांश पर 15% की रियायती दर से टैक्स लगता था, लेकिन फाइनेंस बिल के मुताबिक अब आयकर का ये प्रावधान आकलन वर्ष 2023-24 से लागू नहीं होगा। आयकर के इस प्रावधान में कहा गया है कि यदि किसी भारतीय कंपनी की किसी विदेशी कंपनी के इक्विटी शेयर कैपिटल में 26% या उससे ज़्यादा हिस्सेदारी हो तो उस विदेशी कंपनी से मिले लाभांश आय पर 15% की दर से टैक्स देना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि टैक्स कितना लगेगा, तो ये भी जान लीजिए, इस रियायती दर के खत्म हो जाने का मतलब है कि अब कंपनियों को अपने लाभांश पर मौजूदा लागू कॉर्पोरेट टैक्स रेट देना होगा। आपको बता दें कि देश में मिलने वाले लाभांश पर भी कंपनियों को अभी लागू कॉर्पोरेट रेट के हिसाब से टैक्स देना होता है जो 15% से 30% तक है। यानी अब देश और विदेश दोनों से मिलने वाले लाभांश पर टैक्स एक समान दर से देना होगा।